एक साइड है वर्ल्ड T20 चैंपियन इंडिया, दूसरी साइड है द बेस्ट T20 11 टीम जो ChatGPT ने बना के दी है मुझे। और ये है दोनों टीम्स की लाइनअप, आप देख सकते हो। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है इस गेम में, भाई क्या बात है। इंडिया ने जीता टॉस और हम इंडिया से खेल रहे हैं, तो हम करेंगे पहले बॉलिंग। अर्शदीप की पहली गेंद, ओए भाई पहली बॉल पे विकेट मिल जाता भाई। यूनिवर्सल बॉस है सामने क्रिस गेल, और भाई ये तो प्लेयर ही बहुत तगड़ा है, और बहुत ही अच्छा शॉट, और मुझे लग रहा है कि रन मिल जाएंगे। दो पहली दो बॉलों में 3 रन आए, मतलब काफी अच्छी गेंदबाजी अर्शदीप के सामने हो रही है, और नाइस बॉलिंग अर्शदीप। और गाइस मुझे कंटेंट बताना है कैसा लगा कमेंट करके, और अगर आपके पास और भी आइडिया तो प्लीज वो भी बता देना। गुड शॉट, पीछे फील्डर है, तो हम उस पर भी वीडियो से आगे लेके आते रहेंगे। तो देखो गाइस आपके सबके ओपिनियन मैटर करते हैं मेरे लिए, तो आप भी सजेशन कर सकते हो। तो कैच इट, अबे यार कोई तो कैच पकड़ लो, दो बार ऐसे खा चुका है रोहित। गुड शॉट यार रोहित भाई, चौका मिल जाएगा ये तो। ओ अच्छी फील्डिंग, मुझे लगा शायद चौका मिल जाएगा। हम तो लेके आए हैं हार्दिक पांड्या को भाई, बेस्ट बंदा है भाई वर्ल्ड कप के बाद तो। ये कैच, बढ़िया बॉल, एज लगा चौका, बट कोई बात नहीं, अच्छी गेंद, ये अच्छी बॉल, अच्छा शॉट भाई। यूनिवर्सल बॉस मुझे लग रहा है अब रन बनाने वाला है, और ये अगर बंदा टेक गया तो रन बहुत बनेंगे। एक और एज, और दूसरी तरफ इंडिया के भाई नौजवान जो अभी जिम्बाब्वे से पहले मैच तो हार ही गए। ये बड़ी हैरानी हुई कि इंडिया के जो यंग टीम है उनसे 116 रन नहीं बने। शॉट, ये तो छक्का है भाई, पैर पे गेंद, छोटा ग्राउंड है। अरे ये है कि दूसरा मैच हमने जीत लिया, काफी रन बनाए, 234 रन बनाए दूसरे T20 में, अब लेवल हो चुका है सीरीज 1-1 से। फॉर दैट क्या गुगली डाली है भाई। और गाइस मुझे ये भी बता दो कैसा लग रहा है, ग्रीन स्क्रीन मैंने स्टार्ट करी है क्या, मुझे ग्रीन स्क्रीन ही स्टार्ट करनी चाहिए। आउट साइड, इस बार तो आउट है, इस बार भी आउट नहीं है। बोल्ड, मैंने कहा ना गुगली में फंस गए हैं गेल साहब। देखो भाई विराट कोहली आए हैं, ये भी ऑल टाइम बेस्ट T20 प्लेयर है ही, काफी पारी खेली है इंडिया को जिताने के लिए इन्होंने। अब तो वर्ल्ड कप फाइनल भी आप याद कर लो, और दूसरा इंडिया पाकिस्तान का वो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में, और दूसरा 2016 में मोहाली में T20। क्या बैटिंग करी है यार विराट किंग कोहली ने, जब जब इंडिया को जरूरत पड़ी है तब तक ये खड़े हुए हैं। और ये शॉट मार, ये 6 है तो मतलब ओवर से 6 रन आए और 1 विकेट। तो गाइस मैच को ना रेट कर दिया करो आउट ऑफ 5 कोई भी, जब बेस्ट विकेट या कुछ भी कमेंट कर दिया करो, बस कर दिया करो गाइस, क्योंकि कमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है, तो कर देना कोई बेस्ट विकेट या बेस्ट बॉल। इनके पास काफी तगड़ी टीम है अभी, अभी इनके पास एवी डिविलियर्स भी हैं, उसके बाद केविन पीटरसन है, MS धोनी भी हैं, शाहिद अफरीदी, उमर गुल, सुनील नारायण, तो टीम तो इनके पास काफी बढ़िया है T20 टीम ऑल टाइम। तो एक और चौका, मतलब दो लगातार चौके खाए। ओहो विराट कोहली के सामने बुमराह, कोहली वर्सेस बुमराह होने वाला है क्या चैट, लेट्स सी, देखते हैं अब कौन जीता है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट है ये तो। और पहली बॉल छक्का, तो विराट कोहली ने अपर हैंड कर दिया पहली बॉल पे। और गाइस मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, अगर आप देखना चाहते हो लाइव स्ट्रीम तो आ जाया करो, 4 बजे करता हूँ रोज दोपहर को। कैच इट, अभी इंडिया जिम्बाब्वे का T20 चल रहा है हमारी लाइव स्ट्रीम पे। बुमराह ने 3 बॉलों में 7 रन खाए, छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक है ये तो, बढ़िया। एक और डॉट बॉल, तो मतलब शॉट है यार विराट। रोहित और विराट कोहली आ चुके हैं 56 रन को चेस करने, क्या ये चेस होंगे सामने उमर गुल। अगर आप लोगों को पता नहीं उमर गुल कौन है, तो भाई पाकिस्तान के सबसे बढ़िया फास्ट बॉलर रह चुके हैं अपने टाइम में, इनका करियर खत्म करने वाले थे वन एंड ओनली वीरेंद्र सहवाग वर्ल्ड कप में। इनको वर्ल्ड कप में एक ही मैच में एक ही ओवर में 6 चौके मारे थे वीरेंद्र सहवाग ने सेमीफाइनल में। मैं देखना चाहता हूँ कमेंट में किस किस को याद है कि उमर गुल ने 6 चौके खाए थे, और यहाँ पे 2 छक्के तो खा चुके हैं 3 गेंदों में, और आ जाएंगे। तो पहले ओवर से 16 रन, मतलब 16 रन प्रति ओवर सही रहेगा भाई, ये मुकाबला दी बेस्ट मुकाबला होने वाला है अगर हुआ तो। हुआ तो क्या, मतलब होगा, पहली बॉल पे चौका आ गया भाई। और मैं जो मेन ये कहना चाहता हूँ कि भाई इनका एक मुकाबला हुआ था जिसमें विराट कोहली ने बहुत मारा था, इतना मारा था लसित मलिंगा को अपने करियर में किसी ने नहीं मारा होगा। याद है किस मैच में विराट कोहली ने लसित मलिंगा को मारा था, मुझे पता है किस मैच में मारा था, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को पता है किस मैच में सबसे ज़्यादा मलिंगा को मारा है विराट कोहली ने। और यहाँ पे विकेट, और ये शॉट सीधा डाउन द ग्राउंड, ऋषभ पंत। मैं तो ये मानता हूँ कि ऋषभ पंत नंबर 3 में बेस्ट बैट चुके हैं अब इंडिया के लिए T20 में,
और इन फ्यूचर भी मुझे लग रहा है ये नंबर तीन प्लेयर ही रहेंगे। एक और रन आउट, कम ऑन यार ऋषभ पंत भाई, भागना था। रोहित शर्मा ने काफी खेला होगा इनको नेट्स में, मुझे पता था रोहित शर्मा ने तो काफी खेला नेट्स में, क्योंकि मुंबई के बॉलिंग कोच भी हैं, वैसे भी मुंबई के लिए काफी खेला है लसिथ मलिंगा ने। लगता है सबसे ज्यादा डक शाहिद अफरीदी के नाम पे अपने करियर में T20 में भी। ओ भाई ये बहुत शॉर्ट पिच गेंद, क्या शॉट मारा है। और एक और उसमें सीधा डाउन द ग्राउंड, ये तो याद दिलवा दी विराट कोहली शॉट की तो। आउट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, मुझे पहले लग गया था जल्दी खेल दिया शॉट। ठीक है ये T20 के सबसे ज्यादा विकेट टेकर है इनके नाम पे। और यहाँ पे सूर्य कुमार ने स्वागत करा है चौके के साथ, तो लेट्स गो। अब तीन रन रहते हैं और आपको पता है ब्रावो के नाम T20 करियर में आई थिंक 600 प्लस विकते हैं शायद पूरी T20 जितनी भी लीग्स इन्होंने खेली है। और यहाँ पे छक्का मार के सूर्य मैच खत्म करते हुए, तो यहाँ से पता लग गया क्यों इंडिया का सबसे बढ़िया T20 टीम बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने बेस्ट T20 टीम को भी हरा दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट में भी मुझे बता दो आपको किसका मैच देखना है आगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, टिल देन जस्ट टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, पीस आउट।